हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज रात के तकरीबन बज रहे हैं 9, तो 9:15 होने वाले तकरीबन। तो हमारा प्रोग्राम बना है यहाँ पे करीब ही हमारे खुला एक दीवाने खास रेस्टोरेंट। तो आज वहाँ जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या वहाँ पे हैं चीज़ें जो हम ट्राई कर सकते हैं। सुना है कि कॉफ़ी वगैरह भी अच्छी है वहाँ की, तो नया ही खुला है, तो अभी जाके देखते हैं। तो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना है, तो अभी मैं बाइक वार्म अप कर रहा हूँ। तो सारे अली भाई की दुकान पर बैठे हुए हैं, तो अभी तक अली भाई ने दुकान बंद की नहीं है। हाँ, क्या कहता यार? यार बकवास है। हाँ अली, चल उठ चलिए। ला पहले तू क्या प्रोग्राम बना के बैठा? अभी प्रोग्राम कुछ इस तरह बनाया है कि मैं, सैफ, मुजम्मल और मलक साहब जा रहे हैं। तो अली भाई ने एंड पे आके जवाब दे दिया है कि नहीं जाना, तो उनकी मर्जी है, फिर वो जाए ना जाए। तो अब हम जा रहे हैं। क्या से उन्हें अगर पहले क्या फिर चल ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अली भाई ने कुछ पहले कह दिया था, मुझे गलत फहमी हुई थी, मैं ज़रा लेट पहुंचा हूँ दुकान पे। तो अली भाई ने पहले कह दिया था कि मैंने नहीं जाना, तो साहब भाई अभी बता रहे हैं। तो अभी मलक साहब को लेना है उनको, तो मलक साहब भी आ गए हैं, तो अभी हम जाने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। अभी सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, तो मलक साहब ने मुझे कहा भी था जैकेट पहन के आ जाओ, मैं भूला हूँ जैकेट का रबड़ी हो। कितनी ज्यादा मिट्टी है यहाँ पे, ट्रक से आगे निकाल ले। तो मलक साहब ने मुझे कहा भी था कि जैकेट पहन के आ जाओ, तो मैं बगैर जैकेट के स्लीप पहन के आ गया हूँ बाहर। तो सर्दी आज ज्यादा है, तो अभी आपने आगे जाना है यहाँ पे और ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे ही सर्दी लगने लग गई। तो एक ये रोड जा रहा है, तो हम इतनी दूसरी रोड है वो जाने लगे हैं। ये वाला रोड सारा टूटा पड़ा है, तो अभी इस रोड की तरफ से जाने लगे। यहाँ से आता है बाईपास, तो बाईपास वापस वो तांदरा रोड पे चला जाता है। तो अभी हमारा ये प्लान बनाया है। तो रात का टाइम है, आगे पानी खड़ा है, मलक साहब ने पहले ही बता दिया। तो मलक साहब मेरे पीछे बैठे हैं, उन्होंने पहले ये रोड देखा हुआ, तो वो हमें करे हैं गाइड। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये दाई जाने से जाना है, बाई जाने से भी ठीक थी यार। तो ये बाईपास आ गए, तो ये हमने राइट की तरफ हो जाना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक तो होती है रात टाइम, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक है, जो ट्रक वगैरह वो काफी आते जाते रहते हैं। तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा टूटा है, आगे से ठीक है। रात का टाइम है, नज़र थोड़ा सा कम ही आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुनसान सड़क है यहाँ पे। तो आ गया जी तांदला वाला रोड। सैफ भाई मेरा ख्याल आगे निकल गए काफी ज्यादा, तो आराम आराम से जाएंगे। रात अंधेरा है, तो विजिबिलिटी कम है। तो हम पहुंच गए हैं जी, पहुंच गए, फाइनली पहुंच चुके हैं हम दीवाने खास। काफी बढ़िया बनाया लगता है, काफी ज्यादा बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। पहुंच चुके हैं जी माने खास। तो ये जी इंटरेस्ट है इसकी, हमने तो वैसे बाहर ही बैठना है। अभी ठीक बनाई है जगह, अच्छी है, बाहर बैठते हैं। हाँ उधर ही तेरे बाल आगे सीधे किधर है, बजाया या बजा नहीं दिंदा। तो हम आ गए हैं जी दीवाने खास। अभी मेन्यू हमने देखा नहीं है, तो काफी प्यारी जगह और काफी खुली जगह बनी हुई है यहाँ पे। ओपन ज्यादा अच्छा है, अंदर भी अच्छा है, लेकिन ओपन बैठने का अपना ही मजा है। तो अभी हम ओपन बैठ गए, तो काफी बड़ी जगह बनाई हुई है इन्होंने। क्या क्या है मेन्यू में?
ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤਾਬ तो यहाँ पे रोशनी वैसे कम है तो अभी लड़ाई चल रही है बिल की तो बिल कौन देगा आप मुझे पता है कौन दे रहा है मतलब भाई तो अभी हम स्लाइड पे जाने लगे हैं तो झूले मैंने सारे ले लिए एक मिनट गिली तो नहीं है यहाँ पे ओस पड़ी हुई है तो सारी स्लाइड गीली है तो ये बाहर शरारत कर लिया मेरे साथ तो यहाँ पे ये भी झूला लेना अभी रहता है यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है जैसे कि बादशाह के चबूतरे पे आ गया तो काफी प्यारी जगह बनाई हुई है पीछे सामने रोड है काफी ज्यादा ऊंचाई यहाँ पे साहब भाई यहाँ पे आ गया आप बैठो 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 ले डाला तो अभी ये वाली जगह वहाँ पे जाते हैं यहाँ पे लाइट आपको नजर आ रही है तो ये जगह यहाँ पे रोशनी जरा कम है तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है यहाँ पे तो ये भी पीछे मेरे एरिया है सारा फैमिली के लिए ये तकरीबन सारा तो आप मैं फुल तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं काफी अच्छी जगह है सूप है साथ फिश क्रैकर मंगवाए हैं क्रैकर इसे पता नहीं क्यों कहते मैं तो पापड़ कहता हूँ ये साहब भाई का हालात देखे साहब भाई ने गलती से सारी मिर्ची डाली है अपनी तरफ मतलब भाई के हालात आके लाल होगी मतलब भाई की दिखाना तो साहब भाई ने काफी ज्यादा स्पाइस डाली थी जिसकी वजह से सूप का रंग चेंज हो गया तो मैंने भी थोड़ी सी डाली अभी मिर्चों पे दवा बोला जा रहा है अभी अभी सूप वगैरह आपने पी लिया तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया मतलब भाई कैसा लगा सूप माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त साहब भाई माशाल्लाह बहुत मजा आया मलिक साहब ग्रेट बहुत मजेदार सूप था मजा आ गया मेरा तो और पीने को दिल कर रहा है तो मैंने जो लाइट ली थी वो मैं आज लेके नहीं आया तो अंधेरा कुछ ज्यादा ही आ रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लाइट साथ लेके आएंगे हमें हाफ बाजू शर्ट पहने हुए हैं तो सर्दी काफी ज्यादा लग रही थी मैंने आपको बताया भी है तो यहाँ पे सूप पी के हमने स्पाइसी सारी खाली कर दी है इनकी तो अभी गर्मी लग रही है साहब भाई को काफी ज्यादा लग रही है तो इन्होंने काफी ज्यादा सूप जो स्पाइसेस डाल के पिया है बाइक गिली हो गई है मुकम्मल तौर पे तो बाइक सीट भी ठंडी हुई है मैं अभी साफ कर लेता हूँ तो अभी जी हम जाने लगे हैं वापस